हेलो दोस्तों, देखिए अब टेस्टिंग की बारी आती है। देखो एलईडी बल्ब को मैं टेस्ट करता हूँ, देखिए मैंने होल्डर लगा दिया है बल्ब और मैं इसका प्लग लगाता हूँ जैसे ही, तो देखिए एलईडी बल्ब बलना स्टार्ट हो गया, यानी कि ग्लो होना शुरू हो गया। देखिए तो दोस्तों इस प्रकार के एलईडी बल्ब को आप घर पर रिपेयरिंग कर सकते हैं। और इसको आपको कैसे रिपेयरिंग करना है, आप आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक आसानी की ट्रिक बताएंगे कि आप अपने आसानी से ख़राब बल्ब को फ्री में आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, यानी ठीक कर सकते हो। चलिए इस बल्ब को खोल लेते हैं और इसका हम पूरा लाइव दिखाएंगे आपको इस बल्ब को आपको कैसे रिपेयर करना है। देखिए दोस्तों बल्ब ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी पीली पीली रंग की जो एलईडी आ रही है, इस पर एलईडी होती हैं और ये डीओवी बल्ब है, एलईडी बल्ब है यानी कि, और ये ख़राब हो चुका है, ये बल्ब नहीं रहा। देखिए मैं आपको फिर से दोबारा जला के दिखाता हूँ, ये बल्ब कतई नहीं जल रहा है। ये देखिए हल्का हल्का बिल्कुल ही जल रहा है। इसको आपको फुल तरीके से पूरी तरीके से ग्लो कराना है तो किसको किस प्रकार कराओगे, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आसानी से ट्रिक बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो जरूर कंप्लीट देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। देखिए मैंने इसको निकाल लिया है और मैं आपको पूरा लाइव दिखाता हूँ। देखिए इसके अंदर एलईडी है, आपको जहाँ पर ध्यान से देखना है कि इसके अंदर कौन सी एलईडी ख़राब है, यानी कि एलईडी कौन सी ख़राब है। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि एलईडी कौन सी ख़राब है, देखिए इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें अंदर एक काला काला सा दिखाई दे रहा है इस एलईडी के अंदर, यानी कि ये एलईडी शॉर्ट हो चुकी है यानी ख़राब हो चुकी है। यदि आपको ये पता नहीं चलता तो आप इसको किस प्रकार से इसका फॉल्ट देखेंगे कि कौन सी एलईडी में फॉल्ट है और कौन सी एलईडी हमारी ख़राब है जिसकी वजह से हमारा एलईडी बल्ब काम नहीं कर रहा। चलिए मैं आपको पूरा लाइव दिखाता हूँ आपको इसको कैसे फॉल्ट देखना है। देखिए आपको इसमें काफ़ी सावधानी से आपको इसको अंदर फॉल्ट देखना है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एलईडी बल्ब को बोर्ड में लगा देना है यानी कि फोल्डर में, और आपको इस तरीके का एक वायर लेना है इस तरीके का, और इस वायर को आपको जो सी एलईडी ख़राब सा हर एक एलईडी पर आपको टच कर देना है। काफ़ी सावधानी से आपको इसके अंदर टच करना है क्योंकि इसके अंदर डीओवी लगी हुई है और यह डीओवी 220 डायरेक्ट वोल्टेज से चलती है जिससे आपको करंट भी लग सकता है। काफ़ी सावधानी से आपको इसको चेक करना है। वायर को आपको हर एक एलईडी पर टच करना है इस तरीके से, जिस एलईडी पर टच बल जाए तो समझ लो वो एलईडी ख़राब है। देखिए मैं इस पर टच कर रहा हूँ, बल्ब काम नहीं कर रहा। जैसे ही इसको ख़राब एलईडी पर टच करता हूँ तो ये बल्ब, देखिए एलईडी बल्ब, ये देखिए एलईडी बल्ब बल चुका है, यानी कि ये एलईडी इस पर ख़राब है। इसके शॉर्ट करने पर ये एलईडी बल्ब काम कर रहा है, यानी कि हम इसको निकालना है या शॉर्ट करना है। चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ आपको इसको कैसे शॉर्ट करना है, यानी कि आपको इस तरीके का स्क्रू ड्राइवर लेना है और आपको इसको एलईडी को खोल करके निकाल देना है। चलिए मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ कि इसको आपको कैसे निकालना है एलईडी को। देखिए सबसे पहले आपको इस पर एलईडी देखनी है कौन सी एलईडी ख़राब थी, और एलईडी को आपको यहाँ पर इसको साइड से इसको इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल देना है, यानी कि निकाल देनी है इसके एलईडी को। देखिए एलईडी निकल चुकी है। अब आपको यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन की सहायता से आपको इसको सोल्ड कर देना है, यानी कि दोनों पॉइंटों को आपको आपस में सोल्ड कर देना है। और इसके बाद आपको दिखाऊंगा कि एलईडी बल्ब काम करता है या नहीं। देखिए मैं इसको सोल्ड कर लेता हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये देखिए सोल्डरिंग करने के बाद आपको इसको टेस्ट करना है। देखिए मैं इसको लगा देता हूँ होल्डर के अंदर और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि ये एलईडी बल्ब काम करता है या नहीं। देखिए मैं इसको प्लग को लगाता हूँ, देखिए वही बल्ब है जिसको हमने सोल्डरिंग की थी, और मैं आपको इस पर लाइव दिखाता हूँ। देखिए प्लग में लग चुका है इसमें अंदर, ये देखिए ये बल्ब आसानी से काम कर रहा है। चलिए मैं आपको ढक्कन लगा के दिखाता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं। देखिए मैं इस पर ढक्कन लगा दिया है, मैं देखिए प्लग लगाता हूँ, देखिए एलईडी बल्ब आसानी से बलना स्टार्ट हो जाएगा, ग्लो होना स्टार्ट हो चुका है। आप इस प्रकार से ही एलईडी ख़राब एलईडी बल्ब को आप घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में ही, आपको कुछ भी खर्चा नहीं आएगा। ख़राब एलईडी बल्ब को आप कैसे ही ठीक कर सकते हैं, आप इसके अंदर दूसरा बल्ब आता है यानी कि इसके अंदर ड्राइवर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अब भी वीडियो आएगी, हम आपको ड्राइवर के बारे में फॉल्ट दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या फॉल्ट होते हैं, और ड्राइवर वाली एलईडी में आप बल्ब में आपको कौन कौन से फॉल्ट देखने को मिलते हैं, उसको आप कैसे रिपेयर करेंगे, इसको भी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे ही नई नई प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। देखिए दोस्तों मैं आपको पूरा लाइव दिखा रहा हूँ, यही बल्ब है जो हमने रिपेयर किया था और हमने इसको जला करके दिखा दिया है कि पूरा लाइव किस प्रकार से ग्लो हो रहा है। अब आप आसानी से बिना मार्केट गए घर पर ही आसानी से इसको फ्री में रिपेयर कर सकते हैं। ऐसी ही हमारे चैनल पर नई नई वीडियो आपको आती रहेंगी और आपको नए नए एक्सपेरिमेंट नई नई जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।